पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने राज्य में आधार कार्डो को अचानक डीएक्टिवेट होने के पीछे के कारण बताने को कहा है। ममता ने एक्स पर यह लेटर पोस्ट किया है। इस लेटर में यह भी लिखा है कि इस तरह कवायद नियमों के खिलाफ और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। इस कार्रवाई से राज्य के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। ममता ने पोस्ट में आधार शिकायत पोर्टल के बारे में बताते हुए कहा, राज्य का हर निवासी ग्रेवांस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल से योजनाओं का लाभ उठा सकता है, भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या नहीं। मुख्यमंत्री ने दावा किया, दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIAI का हेडक्वार्टर बिना किसी जांच के और राज्य सरकार को बताए सीधे लोगों और परिवारों को आधार कार्ड डीएक्टिवेशन लेटर जारी कर रहा है। इतना ही नहीं, सोमवार 19 फरवरी को ममता ने GoWP पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है उन्हें हम एक अलग कार्ड देंगे। किसी गरीब के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। जिनका आधार कार्ड निष्क्रिय किया गया है वे हमें जल्द से जल्द बताएं, जिससे उन्हें उनके गणतांत्रिक सामाजिक आर्थिक अधिकार मिलते रहे। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन मतुआ समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का वादा किया गया है उन्हें अब विदेशी बताया जा रहा है, क्या यह उनका अपमान नहीं है? जो लोग आधार कार्ड के साथ खेल रहे हैं, एक समय आएगा जब लोग उन्हें अंधेरे में फेंक देंगे।